और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि सपना निषाद सूरत पहुंची है और उन्होंने यहां पर निषाद समाज के लोगों से मुलाकात की और आने वाले जो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा उसको लेकर और अपनी आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम आपका? नमस्कार, सबसे पहले आप सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, जो आप सभी ने यहाँ सूरत जैसे जनपद में मेरा आवाज़ बुलंद करने के प्रयास किया। मेरा नाम सपना निषाद है, मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हूँ। समाजवादी पार्टी में मेरा प्रदेश सचिव महिला सभा से हूँ मैं, और मेरा डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ पड़ता है, मैं वहाँ के अतरौलिया विधानसभा की रहने वाली हूँ। आपका इस सूरत में कैसे आगमन हुआ? जी मैं निषाद समाज से बिलोंग करती हूँ और निषाद समाज, बिंद समाज, माझी मझवार समाज हमारा हर जगह है। तो सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पे मुंबई में था, हमारे समाज बिंद विकास का कोई कार्यक्रम था तो मैं उसी में आई थी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाए थे मुझे और यहाँ पे आई, समाज में मीटिंग में थी 15 तारीख को। उसके बाद हर जगह भ्रमण हो रहा है, इधर अभी यहाँ सूरत में भी आई हूँ मैं। जैसे कि मुझे अपने लोगों से मिल के बहुत अच्छा लग रहा है, सूरत बहुत अच्छा एरिया है घूमने में, और अपने समाज के बारे में मैंने सुना जाना। और यहाँ सूरत के हमारे बहुत ही जाने माने बड़े भैया जी हैं, बिल्कुल शुरू से ही बहन का दर्जा दिया और बहुत सारा प्यार दुलार दिया। मेरे बड़े भैया देवी दयाल सानी जी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिल के। और साथ में मेरे सभी भाई लोग हैं, जैसे गुलाब भाई हो गए, और हमारे सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं। सूरत आने के बाद यहाँ पे सूरत में समाज के लोगों के साथ में आपने मुलाकात किया जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे हमारे इतने सारे वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और न्यूज प्रभारी, जितने भी हमारे समाज के बड़े भाई लोग हैं, मिल के बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही और ऊँचाइयों पर हम लोग जाएँ। और जैसे आज मैं अकेली आई हूँ, अकेली मैं महिला सभा से हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बड़े भाई लोग ऐसे ही आज करोड़ों बहन, निषाद समाज, बिंद समाज की बहन जो आगे बढ़ें और महिलाएं आगे बढ़ें, मेरे समाज के नौजवान भाई आगे बढ़ें, हम लोग जो है, और महिलाएं, चाहे कोई भी महिला हो, महिलाएं भी ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं आजमगढ़ से मुंबई अकेले आई हूँ, मैं चाह जो महिलाएँ, हमारे महिलाएँ जो है बहुत डरती हैं कहीं बाहर निकलने में, तो मैं ऐसा उन लोगों को एक उम्मीद देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने अंदर हिम्मत और चिंगारी भड़का और तालियां बजाने के लिए तो कई लोग हैं। तो मैं वही महिलाओं के लिए और अपने भाइयों के लिए कहना चाहती हूँ कि मुंबई या सूरत या कोई और भी देश कोई ऐसा है नहीं, बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और चलिए। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।